अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ मटन मसाले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हम इसे थोड़ा सा ड्राई भी करेंगे और थोड़ा सा करी के साइड में भी रखेंगे, तो ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। तो चलिए हम रेसिपी को देख लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अभी हम मैंने यहाँ पर एक वेसल ले लिया है और इसमें हम हाफ़ कप के करीब ऑयल ऐड कर देंगे। जब हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना, इसे थोड़ा सा हमें गर्म कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं, हम इसे स्लो फ्लेम पे ही रखेंगे। और इसमें हम डालेंगे 2 इंच का सिनेमन स्टिक और 3 से 4 हरी इलायची डाल देंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें शाही ज़ीरा ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा हम सॉटे कर लेंगे ऑयल में। यह प्रोसेस हमें स्लो फ्लेम पे ही करना है। और अभी हम इसमें हमारा जो मटन है, ये है 1 kg मटन, तो वो ऐड कर देंगे हम इसमें। और इसे हमें ना अच्छी तरह से मूल लेना है और इसे ना हम स्लो फ्लेम पे रख देंगे। कम से कम इसे हमें 30 to 40 मिनट्स तक स्लो फ्लेम पे रखना है। थोड़ा सा हम ऑयल में से पहले फ्राई करेंगे और फिर जब ये इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा ना, जब पिंक कलर का हो जाएगा मटन हमारा, तो इसे हम ढक के पकाएंगे 30 to 40 मिनट्स के लिए। 40 मिनट्स के बाद जब आप ओपन करोगे ना, तो आपको मटन इस तरह से मिलेगा। हमने इसे स्लो फ्लेम पे पकाया है, कुक किया है, तो इसका जो टेस्ट है ना, वो बहुत अच्छा हो जाता है। प्रेशर कुकर में भी आप इसे कर सकते हो, लेकिन आप जो ये प्रोसेस के साथ करोगे ना, तो आपका मटन बहुत अच्छा बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लिया है और इसे डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिंजर गार्लिक के साथ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, इनहेंस कर देता है जिंजर गार्लिक जब आप फ्रेश यूज़ करते हो। तो कभी भी आप कोशिश कीजिएगा कि फ्रेश जिंजर गार्लिक ही यूज़ करें। और साथ में यहाँ पर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालने से ना कलर बहुत अच्छा हो जाता है, तो हम वो ऐड करेंगे इसमें। और साथ ही मैं यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन है, उसे मिक्सी में पीस लिया था, तो अनियन का जो पेस्ट है वो ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से चला लेंगे। हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है क्योंकि अभी हमारा मटन और हमें अच्छी तरह से कुक करना है प्रॉपर, तो इसीलिए हम इस तरह मसाले में भी इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। नमक जो है हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और साथ ही मैं यहाँ पर मैंने टमाटो प्यूरी ले ली है, फ्रेश टमाटो को जस्ट मिक्सी में चला लिया है और इसका प्यूरी रेडी करके इसमें ऐड कर दिया है, तो ये हम ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी हमें इसे भूनना है अच्छी तरह से, जब तक हमारे मसाले अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाते हैं ना, तो तब तक हमें इसे भूनना है, क्योंकि हमारा जो कुक मटन जो 20 to 30% अभी तक पकानी है ना, वो अच्छी तरह से कुक हो जाएगा इसमें। तो अभी हम इसे ढक के पकाएंगे 15 मिनट्स के लिए, और 15 मिनट्स के बाद जब आप इसे ओपन करोगे ना, तो आपको इस तरह से ये दिखेगा। तो ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है अभी। तो अभी ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो अब हम इसमें हाफ कप जो दही होता है वो ऐड कर देंगे और इसे भी चला लेंगे। दही को हमें अच्छी तरह से फेंट के फिर इसमें ऐड करना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से, और हम इसकी बुनाई करेंगे अच्छे से, इसको पकाएंगे हम। ये देखिए चलाते चलाते मुझे 10 मिनट्स और हो गया है और इसमें मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया, जो दही का कप था ना, मैंने उसी में पानी डाल दिया था और इसे मैंने पानी में और इसे पकाना है। तो अभी हम इसे और 10 to 15 मिनट्स पकाएंगे पानी डालने के बाद भी, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, मसाला और करी हम दोनों उसी तरह से बनाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा आपको ग्रेवी भी मिलेगा और मसाला भी जैसा रहता है वैसा टेस्ट आएगा। साथ ही में इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला ऐड कर दिया है।
और हमारी ये मटन की रेसिपी रेडी हो गई है और ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप इसे नान के साथ खा सकते हो, चपाती के साथ खा सकते हो और राइस के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, साथ ही में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।